हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल मम्मी की रसोई में। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं ओल की सब्जी। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया खाने में भी लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओल सबको खाना चाहिए। ऐसे ऐसे पीसेस कर लीजिएगा, बाजार में तो बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, आप जितना बड़ा छोटा पीसेस करना चाहें कर सकते हैं। और ये हम थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 15 का लिए लहसुन का लिए हैं, 3 बड़े बड़े प्याज लिए हैं, 2 नींबू, 1 टमाटर। अब ओल के सब्जी बनाने के लिए इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे। देखिए, 1 नींबू हम पूरा डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 टीस्पून, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और सबको मिक्स कर देंगे। ऐसे बहुत अच्छा से मिक्स हो जाता है। देखिए सब मिक्स हो गया। इसको 1 से 2 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, सरसों का तेल लेंगे और उसमें हम ये देखिए हमारा प्याज हल्का भून चुका। अब इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देंगे, इसको भी हम उसी तरह भून लेंगे। टमाटर डाल देंगे। मसाला इसलिए भूनते हैं ताकि जल्दी से पक जाता है और सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हम मसाला भून के ही डालेंगे। यदि नहीं भूनते तो हम इसको कुकर में ग्रेवी बना के ही डालते। मसाला भून के पीस लेने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए हमारे सभी मसाले भून चुके, हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस सबको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है, अब इसमें हम 5 से 6 टेबल स्पून सरसों तेल डालेंगे। जब भी ओल का सब्जी बनाएं सरसों तेल में ही बनाएं, सरसों तेल से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए हमारा तेल गरम हो चुका, अब एक एक करके देखिए कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। देखिए जिस तेल में हम फ्राई किए थे वही तेल बच गया है, इतना ग्रेवी के लिए पर्याप्त है। इसी में हम फोरन डाल देंगे, 1 टीस्पून जीरा और 2 से 3 लाल मिर्च, 2 तेजपात के पत्ते, और ये पीसे हुए हम सारे मसाले से डाल देंगे। देखिए जो बचे हुए मसाले थे हम उसको इसमें पानी डाल के सब निकाल लेंगे। कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब इसमें कुछ सूखे मसाले हम डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। देखिए अब सभी मसाले को ढक के हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। और इधर ही देखिए हमारा सब्जी कितना अच्छा फ्राई हुआ है कि ऐसे देखिए बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है।
पूरा समझिए कि पूरा सीज गया है। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भुन चुका है, चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें ये फ्राई किए हुए सारी सब्जियां हम डाल देंगे। लग रहा है ना कितना बढ़िया। अभी से 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे। ये देखिए हमारा सब्जी बनके रेडी हो चुका। वाह देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये सब्जी के सामने समझिए जो नॉनवेज खाता है उसका चिकन मटन सब फेल। इतना अच्छा दिख रहा है ना, पूरा एकदम स्पाइसी स्पाइसी, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप बनाइएगा तो सच में बोलिएगा पहले क्यों नहीं पता होगा मुझे, इतना यम्मी लगता है। अब इस पे हम थोड़ा धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर देंगे। देखिए हमारा ओल का सब्जी बन के रेडी हो चुका। यदि आप लोगों का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।